सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पलामू भाजपा की ओर से रविवार को डाल्टन के कोयल नदी किनारे अवस्थित भीष्मदास मंदिर परिसर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, विधायक आलोक चौरसिया, नेता प्रभात भुइयां, रविन्द्रनाथ तिवारी, परशुराम ओझा सहित कई समाजसेवी और शिक्षाविद शामिल हुए। प्रदेश मंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सीएए को लेकर मुद्दा विहीन विपक्ष समाज में भ्रम फैलाकर क्षुद्र स्वार्थों की राजनीति कर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश हित में है जो धार्मिक प्रताड़ित समुदाय को संरक्षण देता है। विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि देश में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग हैं, परंतु जो विगत कई वर्षों से यहां शरणागत है उनको अधिकार देकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है जो प्रशंसनीय है। मुद्दा विहीन विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे ने कहा कि पिछले कई दशकों से पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन, नरसंहार, बलात्कार और संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर भगा दिया गया जो शरणार्थी बनकर देश में रह रहे हैं, उनको अधिकार देने के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून है, देश से मुसलमानों को भगाने के लिए नहीं। शिक्षक अंजनी सिन्हा ने कहा कि देश के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को चाहिए कि जो देश हित में हो रहा है उसका प्रचार प्रसार जरूर करे और भ्रमित हो रहे लोगों को सीएए क्यों जरूरी है समझाएं। गोष्ठी के दौरान कर्नल संजय सिंह, अमलेश्वर दुबे, विजयनंद पाठक, उपेंद्र सिंह, डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह, अविनाश वर्मा सहित कई लोगों ने अपने विचार रखे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देश हित में बताया। कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आज हम लोग इस भीष्मदास धर्मशाला प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी का आयोजन किया है। सम्मेलन की जो बात थी उसको गोष्ठी में परिणित कर दिया गया और जो सीएए के विषय में पूरे हिंदुस्तान में विरोधी पार्टी, राजनीतिक दल जो लाभ लेना चाहते हैं, समाज में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसमें असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं और देश का वातावरण जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके देखते हुए हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और आगे का कार्यक्रम हम लोग इसी तरह से पूरे राज्य में, पूरे जिले में मेगा रैली के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।